नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। नए वाहन और पुराने रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन कार्ड को लेकर इन दिनों प्रदेश भर में आवेदक परेशान हैं। कार्ड की शॉर्टेज के चलते लगातार आवेदक आरटीओ के चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर आरटीओ भोपाल में इस सप्ताह छुट्टी के दिन भी कार्ड प्रिंट किए जाएंगे। परिवहन अधिकारियों की माने तो लगातार बढ़ रही पेंडेंसी को लेकर यह निर्णय लिया गया है, जिससे आवेदकों को राहत मिल सके। वही बता दें कि प्रदेश भर में वाहनों के रजिस्ट्रेशन कार्ड की शॉर्टेज चल रही है। इसमें कुल 35,000 से अधिक फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई है। वहीं भोपाल में यह संख्या करीब 6,000 है। आपको बता दें कि भोपाल आरटीओ में 7 जनवरी से लगातार शॉर्टेज चल रही थी, जिसको लेकर करीब 5,000 कार्ड पहुंचे हैं, जिसके बाद आवेदकों को कार्ड बांटने की प्रक्रिया की जा रही है। हालांकि अभी भी करीब 6,000 से अधिक पेंडेंसी भोपाल आरटीओ में बनी हुई है। बता दें कि सिर्फ भोपाल में रोजाना 800 से 1,000 नए वाहन रजिस्ट्रेशन होते हैं। वहीं गोविंदपुर की रहने वाले रजनी वर्मा ने बताया है कि मैंने करीब महीने भर पहले अपने पुराने कार के रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए अप्लाई किया था, मगर अभी तक मेरा कार्ड नहीं मिला है। कई दिनों से मैं लगातार एजेंसी से भी बात कर रही हूं, मगर वह कहते हैं कि अभी कार्ड नहीं आए हैं, जब आएंगे तो वह तुरंत ही दिलवा देंगे।